व्हाट्सएप को लेकर वैसे तो आए दिन नई नई न्यूज़ आती रहती हैं कि ये फीचर आने वाला है या फिर वो फीचर आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको बता दें कि अब जल्द ही व्हाट्सएप में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, व्हाट्सएप चैट्स का बैकअप लेने कई बार आपके लिए काफ़ी ज़रूरत होता है और अब तक इसके लिए आपको गूगल ड्राइव का सहारा लेना पड़ता होगा। लेकिन आप गूगल ड्राइव की स्टोरेज व्हाट्सएप चैट्स बैकअप के लिए खपत नहीं करनी होगी। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने गूगल के साथ एक डील की है, जी हाँ, जिसके तहत यूजर्स व्हाट्सएप बैकअप अपने पर्सनल अकाउंट में रखते हुए और रहते हुए भी फ्री ले सकते हैं। व्हाट्सएप और गूगल के एग्रीमेंट के मुताबिक 12 नवंबर से व्हाट्सएप के बैकअप गूगल क्लाउड स्टोरेज कैप्चर नहीं रहेगी। अब व्हाट्सएप मीडिया, टेक्स्ट और मेमो सहित हर तरह का व्हाट्सएप बैकअप एंड्रॉयड के गूगल अकाउंट पर ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप का ये कदम कंपनी के 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपको ये बता दें कि व्हाट्सएप के नवंबर अपडेट के साथ वो सभी व्हाट्सएप बैकअप डिलीट कर दिए जाएंगे जिन्हें साल भर से अपडेट नहीं किया गया है। कंपनी के यूजर्स को बैकअप लेते समय फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करने की सलाह दी गई है, क्योंकि बैकअप फाइल साइज में अलग होते हैं और डाटा खपत करते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा डाटा के पैसे लग सकते हैं। व्हाट्सएप चैट बैकअप सिस्टम दूसरे चैटिंग ऐप से अलग है, क्योंकि व्हाट्सएप के चैट्स और मीडिया किसी डीएक्टिवेट सर्विस से स्टोर होने के बजाय फ़ोन में ही स्टोर होते हैं। इसलिए फ़ोन बदलते समय व्हाट्सएप का डाटा बैकअप लेना ज़रूरी होता है, इसलिए यूजर्स को गूगल क्लाउड का सहारा लेना होता है। हालांकि आईफोन में व्हाट्सएप डाटा आई क्लाउड पर बैकअप होता है, लेकिन आमतौर पर इसकी लोगों को फ्री कोटा जल्दी ख़त्म होता है। नेक्स्ट 9 टेक से हिमांशी की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।